पनाह मांगता हूँ अल्लाह की शैतान मरतूद से बिस्मिल्लम अल्लाह के नाम से जो रहमान और रहीम है बशरम बसम नाजरन असल वरहमतुल्लाहि वर्क नाज़रीन आज संडे का रोज़ है और हम वापस अपने प्रोग्राम की तरफ आ गए हैं और आज हमारा परवेश औलाद का जोिकमत में हाज़िर हुए हैं अब तक हमारा ये जो प्रोग्राम टॉपिक चल रहा है उसका आज फिफ्थ एपिसोड है नाज्रीन और अभी तक हमने मुख्तिस इसके पहलुओं पर रोशनी डाली पिछला जो हमारा प्रोग्राम था थोड़ा सा कैचअप करते हुए आपकी खिदमत में ये अर्ज़ करना चाहूँगी कि उसमें हमने पैदाइश से सात साल के अर्से तक के ऊपर गुफ्तू की थी जैसे कि रसोल खुदा अलैहि वसल्लम का इर्शाद है कि बच्चा पैदाइश से सात साल की उम्र तक जो होता है वो हाकिम और आका की हैसियत रखता है और फिर सात से चौदह साल तक की उम्र तक वो ग़ुलाम और फरमाबरदार होता है और चौदह साल से इक्कीस साल की उम्र तक वो वजीर या मशीर होता है तो हमने जो पहला हिस्सा था तीन हिस्सों में बच्चे की जो परविश की आ, 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 के आ, 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 साल हैं उनको तीन हिस्सों में उन्होंने डिवाइड किया तो पहला हमने जो हिस्सा था उस पर पिछले प्रोग्राम में हमने गुफ्तु की और उसमें हमने देखा कि हम समझते हैं कि बच्चा एक छोटा छोटा सा जहन रखता है और उसको क्या समझ है ये भी साथ पैंताइस से साल साल तक की उम्र तक तो बहुत नासमझ होता है लेकिन जैसे हमने पहले भी कहा कि बच्चे का जहन जो होता है वो एक ख़ाली स्लेट की तरह होता है बच्चा एक खालिश रू और दिल रखता है और उसमें मुख्तलिफ किस्म की जज्बात कैफियाँ जोश वलबला होता है और वह एक बहुत हसास पीरियड से गुज़र रहा होता है तो उस वक्त उसको बहुत सी हमदर्दी और ज, न, मदद की और रहनुमाई की ज़रूरत होती है और पहला जो हमने देखा कि जिस जो भी उसके इर्द गिर्द के माहौल में लोग आ या उसके वालदान जिस तरह से भी आ वो आ एक्ट करें वो हर उनका जो एक्शन है बच्चा उसको अडॉप्ट कर रहा है बच्चा उसी उसी एक्शन को सीख रहा है और बेसिकली आप देखें जैसे हमने कहा कि वो खाली स्लेट है तो उस पर एक बेस बन रही है एक फ़ाउंडेशन ले हो रही है उन हादात की उन हैबिट्स की वो अखलाक की वह तमाम सोच जो वो देखता है जो वो सोचता है वो तमाम चीज़ें तो हमने देखा कि पहले सात साल की उम्र बहुत क्रिटिकल है बहुत ज़्यादा इम्पॉटेंट है हम सब के लिए तो हमें ख्याल रखना है कि उसमें हम कोई ऐसी बात कोई ऐसा एक्शन ना हो जो कि बच्चे के ऊपर गलत इम्पैक्ट पड़े और गलत उसकी फ़ाउंडेशन कायम हो जाए आज हम इन शाह आगे चलेंगे अपनी गुफ्तु को आगे बढ़ाएंगे और इन देखते हैं पहले सबसे के सात साल से चौदह साल तक के अरसा जो है उसमें बच्चा जो है उससे कि आ, किस तरह से हमने उसकी परवरिश करनी है कौन सी चीज़ें उसके लिए मुफ़ीद हैं कौन सी चीज़ें चीज़ों पे हमने कॉन्शियस रहना है कि वो चीज़ें वालदे से ना हो ताकि बच्चा वो गलत असर ना ले आइए मैं आपका तारुफ कराऊं मेरे साथ मौजूद हैं मोहतरमा सद अफरत हुसैन साहिबा और उनके साथ आज की हमारी मेहमान मोहतरमा नादिया साहिबा आ, ये पहले भी हमारे प्रोग्राम में तशरीफ़ ला चुकी हैं असलम वरम्ला वरक वाले नादिया बहन आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया आज आपने बहुत शॉर्ट नोटिस पे हमारा साथ दिया जैसा खैर तो अपनी गुफ्तु को आगे बढ़ाएंगे मोतमाफ साहबा आज का जो हम आ, जिस पहलू पे परवेश औलाद के गुफ्तु करना चाहेंगे वो सात से चौदह साल तक आ, तो उस हवाले से आप हम मैं चाहूँगी कि आप इस पर मजीद वजाहत फरमाएँ जी नबीला बहन आपकी खिदत में और आज की जो हमारी गेस्ट हैं उनकी खिदमत में तमाम नाजरन की खिदमत में असल वरि वा परवरिश औलाद के सिलसिले में जो गुफ्तगु हमारी जारी है गुज्त चंद हफ़्तों से तो उसमें जो हमने कोशिश ये की है कि हम अपनी इस गुफगू में ए, अपने नाजरिन की और अपनी ख़ुद अपनी ज़ात की भी ए, रहनुमाई ए, ए, उनको ए, रहनुमाई करें इस सिलसिले में कि तरबियत औलाद कितना अहम फरीज़ा है वालदेन के लिए और उससे गफलत नहीं बरतनी चाहिए और वो एक बहुत बड़ी ज़िम्मेदारी है और हमारे ऊपर औलाद का हक़ हाँ है कि उसकी सही तरबियत की, की जाए और जाहिर है जब हम दीन हक़ हाँ जो है वो हकूक अल्लाह और हकूक़ाद अल्ला पर मबनी है दीन इस्लाम तो जितने भी हकूक़ जिस अल्लाह के हवाले से या इंसानों के हवाले से हम पर आयेद हैं उन सब के हम जवाब दें हैं रोज़ मशर तो इसलिए हमें इसकी अहमियत का अंदाज़ा होना चाहिए कि रोज़ मशर हमें इस बात का भी जवाबदेह होना होगा एज अ पेरेंट्स के हमने अपनी औलाद की कैसी तरबियत की है उनकी परवरिश में कोई कोताही कोई गफ़लत तो नहीं बरती है और जो उनकी तरबियत की है वो इस्लामी कवानी और उनके असूल के मुताबिक उनकी अगर तरबियत हमने की है तो फिर हम जो है सुरहरू होंगे और रोज़ मशर अल्लाह सब्बाना तआला की रहमत के सय में होंगे बजाय इसके कि हम उसके गज़ब के मुस्तक हों तो उस हवाले से जाहिर है कि हमने इब्तिदा से जो गुफ्तगू की पिछले वीक की थोड़ी सी ब्रीफिंग करते हुए कि जो हदीस रसूल को रोशन रोशनी में हदीसी रसूल की रहनमाई में कि जिसमें रसूल खुद वसम् ने थ्री स्टेज़स ओलाद की तरबियत के हवाले से वालदान के सामने बयान फरमायी हैं कि तीन हिस्सों में परवरिश को अल्लाह तबान रसाले से बयान फरमा रहा है कि परवरिश के स्टेप्स हैं तीन मराहल हैं कि जिसमें वालदेन को औलाद के साथ जो सलूक करना चाहिए जो वे ऑफ ट्रेनिंग है और ब्रिंगिंग है जो तरीक़ार है तरबियत का वो क्या होना चाहिए उसको तीन हिस्सों में तकसीम किया जिसको एक हिस्सा हमने गुजत गुफ्तु में बयान किया कि एक साल से लेकर और सात साल के उम्र तक का जो मरहला है तो हतकान कोशिश की है कि हमारे नाजरन के सामने वाज हो गया होगा और आज जो मरहला आता है वो उसका दर, आ, दूसरा दर्जा है वो है सात साल से लेकर चौदह साल की उम्र तक तो जैसे रसूल ने फरमाया कि पहला जो मरहला है उसमें बच्चा तुम्हारा सरदार है और सरदारी की क्या मायनी है कि सरदार के सरदारी के मायनी ये कि सरदार की खिदमत की जाती है उसके कम्फर्ट का उसके आराम का ख़्याल किया जाता है और उसको बहुत ही ज़्यादा उसके इज़्ज़त की जाती है उसका आ, उसके ख्वाहिशात का एहतराम किया जाता है उसका ख्याल किया जाता है और प्यार और मोहब्बत ये जो फर्स्ट मरहला है इसमें प्यार और मोहब्बत वो वालदेन के लिए बहुत अहम है कि औलाद के साथ उनका रिलेशन जो है वो प्यार और मोहब्बत का होना चाहिए और अदीस भी हमें मिलती हैं कि आ, उन वालदे के लिए कि जो अपने औलाद को चूमते हैं औलाद को चूमना प्यार करना भूसा देना ये आइन इबादत है यानी देखिए ना ये रवैया कितना अहम है कि अल्लाह ने इसको इबादत शुमार किया है कि आप प्यार से अपनी औलाद से गुफगू करें प्यार और मोहब्बत का इजहार करें उसकी उससे इजहार मोहब्बत करें तो ये इबादत है अब जो दूसरा मरहला आता है वो है कि अब बच्चा आपका है और आप उसके सरदार हैं अब ये जो सात से चौदह बरस का जो मरहला है ये वो मरहला है कि जिसमें वालदेन को जो है उनका जो तरबियत का तरीक़ा और करीना है बेस तो प्यार से हमने डाल दी है क्योंकि अगर बेस प्यार से हम नहीं डालेंगे तो उसमें क्या होगा कि औलाद के दिल में हमारे लिए वो मकाम पैदा नहीं होगा एहतराम और वो उसके अंदर उसके दिल में हमारी लिए वो मोहब्बत और अकीदत पैदा नहीं होगी कि जो कि एक इंसान को होती है कि, कि किसी बात जो सुनता है तो कहने वाला उसके लिए क्या मर्तबा रखता है क्या मकाम रखता है ये बहुत है। काउंट होता है और ये जो शुरू के सात साल हैं ये उसमें हमें अपना एक मकाम बच्चे के दिल में पैदा करना है ताकि जब सात से चौदह बरस की उम्र में जब हम उसकी किरदार की तरबियत उस तरीके से करते हैं कि उसके ऊपर यानी वो ग़ुलाम की सूरत में है यानि उस एज ग्रुप में औलाद को इस तरीके से तरबियत हो कि वो आपकी हर बात पर जो दीनी अहकाम आप उसको सिखा रहे हैं या उसकी तरबियत उस हवाले से कर रहे हैं उसको दीन हक़ हाँ की तालीम दे रहे हैं तो वो आपकी हर भक्म पर हर बात को पर सरे तस्लिम खम करें यानी कि ये कैफियत कब पैदा होगी जब पहला स्टेप जो पहली स्टेज है वो हमने सही से उसके दिल में अपनी वो अपनी मोहब्बत डाली है। है। और अपनी से की इम्पोर्टेंस उसके दिल में डाली है कि माँ बाप कोई बात कह रहे हैं तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है बहुत ही अहम है और हमें इसको इग्नोर नहीं करना है बल्कि हमें इसके बारे में सोचना है उसको हमने कबूल करना है और उस पर हमने अमल पहरा होना है तो इसके लिए जैसे वो ये चीज़ें तमाम जो है बिल्कुल कि उसके अंदर ज़ाहिर है कि ये हम उसके अंदर ये फीलिंग पैदा करेंगे तो उसके बाद जो ये बीच का मरहला जो है तो उसमें हम जब अपने औलाद की तरबियत के हवाले से जो भी हम उसको हुक्म देंगे जो भी हम उसको ए, मतलब के कि को हम कहेंगे कि ये काम करो इस तरह जैसे नमाज कितनी अहम है ये सब चीज़ें तो फिर उस पर असर होगा कि माँ बाप वो ये जान गया है पिछले स्टेज में कि मेरे सबसे बेहतरीन मेरे मतलब के मेरे हक में बेहतरी के जो तालिब हैं वो मेरे वालदे हैं, हैं। यानी कि इनकी ज़बान से जो भी जुमला जारी हो रहा है वो मेरे हक में बेहतर है ये उसके अंदर वो समझ पैदा हो जाएगी कि वो फिर आपकी बात को समझेगा कि अगर माँ बाप मुझे किसी बात से मना कर रहे हैं या किसी काम का हुक्म दे रहे हैं तो इसमें मेरा फ़ायदा है मेरी बेहतरी है तो फिर बच्चा जो है उस बात पर गौर व फिक्र करेगा और उस पर अमल करेगा जी आ, नादिया बहन आपकी तरफ आते हुए आप क्या कहेंगी इस हवाले से माशाल्लाह आपके छोटे बच्चे हैं आप इस स्टेज से गुजर रहे हैं जी बिल्कुल आ, ये सही बोल रही हैं कि जो शुरू का स्टेज है जब हम उस उनको बताएंगे नहीं कि ये तरीक़ा यानी कि लिविंग ऑफ द कैसा हमारे स्टाइल क्या है अब सबसे पहले ये तो कि हम उनको चीज़ें प्रोवाइड करें ठीक है अब छोटे बच्चे के लिए हम उनके लिए अलग से जानमाज़ उनके लिए रखें और उनके लिए हर चीज़ का जिस तरह हम स्कूल की सारी चीज़ों का अहतमाम करते हैं ना हमें लाना पड़ता है वो चीज़ ठीक है तो हम ये चीज़ें भी लाएँ उनको इमाम बारगा लेके जाएँ और ये हमारी ड्यूटी है ताकि उनके दिल में मोहब्बत अहले बहद पैदा हो जब वो इन सारी चीज़ों से वो आदि होगा उस शुरू के दौर में तो उसको ये जब अगला जब स्टेप उसका दौर आएगा तो उसको ये चीज़ें वो अजीब नहीं लगेंगी ठीक है और फिर सबसे पहले हमें अपने आप को ठीक करना है यानी कि जब बच्चा जब ना पढ़ेगा जब अपने वालदेन को देखेगा ठीक है एक रोल मॉडल बेटी जब पर्दा करेगी <coughs> जब अपनी माँ को देखेगी ठीक है तो ये बच्चे यानी कि आजकल के दौर के जिस तरह वो कहते हैं ना बच्चे बहुत तेज हैं या बच्चे बहुत वो ये मैं इस बात से डिसग्री करती हूँ कि यानी कि ये जो होता है ये वालदे ही की तरबियत है ना कि आप उनको माहौल क्या फर्म में वो करें अपनी आप फ़ोन पे लगी आप अपनी फ़्रेंड से बात करी इतनी देर हो गई है बच्चों को देखा ही नहीं आपने वो कार्टून में लगाए हुए हैं या गेम्स में लगे हुए हैं या जिस तरह भी और फिर बाद में आप गिला करती हैं कि वो बदतमीज़ हो गया या उसमें वो हो गया तो फिर वो बिल्कुल वही है कि हम उनको पहले सदा को हम वार करें बिल्कुल और फिर बाद में हम हाँ उसकी तरबियत जो है वो शुरू करें सही मायनों में कहते हैं कि सात साल तक की उम्र में लड़की चूँकि नौ साल पे बालग हो जाती है तो उसको कहा गया है लड़का और लड़की को के सात के आठ साल तक उनको नमाज जो है वो पूरी आ जानी चाहिए तौर पे लड़की के लिए कि आठ साल पे तो बिल्कुल बाकायदा ताकि छः साल में उनको नमाज आ जानी चाहिए सात साल में इतनी तकीदे कि वो क़़ा नमाजें भी पढ़े यानी कि उनको क़़ा नमाजों की भी आदत डालें कि खुदा न खासा कभी क़़ा हो जाए तो फिर उनको वो करें कज़ा कर और इतना यानी कि है कि आप सर्दियों में या उनके लिए गर्म पानी का एहतमाम करें ताकि वो वज़ू इजीली कर सकें वो करें। और, खुद करें और ख़ुद करें और अलार्म लगाएं सुबह की नमाज़ के लिए ताकि जब वो बड़े होकर उन पर हो तो उनके, उनके लिए वो किसी के यानी कि वो मोहताज ना हो वो ना करें और बच्ची के हवाले लड़की के हवाले से जैसे कहा है कि लड़की और लड़का दोनों के दस साल की उम्र तक अगर बच्चे इकट्ठे सोते हैं तो उनका बिस्तर जो है वो अलग कर दिया जाए और आजकल जैसे काफ़ी मैं पढ़ रही थी तो कुछ लेटेस्ट जो आ, आ, मुझे मिली स्टेटमेंट्स जैसे या मुश्तियाँ इकराम के हवाले से तो उन्होंने कहा है कि बल्कि दस साल क्योंकि बच्चे को इतनी ज़्यादा अवेयरनेस टेक्नोलॉजी की वजह से इतना ज़्यादा इंफॉर्मेशन मिल रही है कि दस साल से भी पहले okay. जो है बच्चे का जो बिस्तर है वो लड़की और लड़के का अलग okay, कर दिया जाए Grow कर जल्दी जी तो उसकी सोच मेंटली भी बहुत जल्दी वो अवेयरनेस आ रही है तो आ, आप क्या कहेंगे मोतम साहबा कि अब जो हमारा पहला तो हमने बेस एक बना दी जो भी उसने देखा उसके घर वाले इर्द गिर्द अब किन चीज़ों का हमें ख्याल रखना है कि किन चीज़ों पे फोकस करना है हमने ज्यादा कि बच्चे सात और चौदह साल में ये चीज़ें सीख लेनी चाहिए बच्चों को जी बेशक इसके हवाले से जिन चीज़ों की तरफ हमें तवज्जो देने की जरूरत है कि इस बच्चे की जो ऐज है उसमें एक्सपेरिमेंट का उसके अंदर बहुत ज़्यादा एक वो होता है कि वो पहलू होता है कि वो उसमें जानना चाहता है हर चीज़ क्यूरासिटी क्यूरोसिटी होती है उसमें हर चीज़ को जानना चाहता है उस सूरत में जाहिर है कि बच्चा फिर जो उसकी समझ है वो उस एतबार से वो देखता है कि कहाँ से मुझे ये इंफॉर्मेशन मिल सकती है वहाँ से वो इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करता है अभी उसके अंदर वो सोच उसके अंदर वो सलाहियत पैदा नहीं हुई है कि वो ये डिसाइड कर सके कि किससे मैं पूछूँ जो कि मुझे सही इन्फॉर्मेशन जो कि मिसगाइड ना करे मुझे और मुझे मेरे दीन से दूर ना करे उस हवाले से मैं किस रिसोसिस की तरफ मतवजह हूँ तो बच्चे में अभी ये फहम नहीं है उसमें ख़ाली क्योरसिटी है वो चाहता है कि बस मैं जान जाऊँ हर चीज़ का मुझे इल्म होना चाहिए वो जानना चाहता है अगर आप ये देखिए आज के ज़माने में अक्सर माँ बाप इस बात पे बड़ा हँसते भी हैं और बहुत ही अपने बच्चों की शार्पनेस पे प्लीज भी होते हैं कि आजकल के आज छोटे छोटे बच्चे एक साल का बच्चा है उसको मालूम है कि रिमोट को किस तरह कंट्रोल किया जाता है टीवी का रिमोट उसको मालूम है मोबाइल उसको मालूम है कि किस तरीके से बटन दबाएं और हम जो हैं उसके फंक्शंस को इतनी कम उम्री में बच्चा इन फंक्शंस को ऑब्ज़र्व करता है और वो देखता है अपने घर में मूवमेंट्स जो भी उनके घर के अफराद हैं कि वो किस तरीके से कौन सी अगर मोबाइल है या रिमोट कंट्रोल है किस तरीके से यूज़ कर रहे हैं तो वो ऑब्ज़र्व करता है और वो फिर उसके बाद उसको कॉपी करता है तो नेचुरली इस ये एज बड़ी वैसी होती है कि जिसमें बच्चा सीखना चाहता है उसमें पेरेंट्स के लिए ज़रूरी है कि बच्चे के लिए टाइम निकालें उसको टाइम दें कि जब उसकी ये कैफ़ियत है वो सीखना चाह रहा है तो आप हो उसको सिखाने वाले फर्स्ट टीचर आप हो और आप चूँकि अपने बच्चे की साइकोलॉजी समझते हैं पेरेंट्स से ज़्यादा बेहतर कोई नहीं जानता अपनी औलाद को हर बच्चा इंडिविजुअल अपनी नेचर के साथ आता है यानी हम ये भी नहीं कर सकते कि हम एक फार्मूले से या एक तरीक़कार से हम अपनी पूरी औलाद की तरबियत नहीं कर सकते हर बच्चा अलग फितरत अलग मिजाज उसकी जो है अलग मिजाज होता है अलग उसकी फितरत होती है तो उसमें यह होता है कि फिर आपको हर बच्चे को उसकी समझ व बूझ जो उसके बाद बच्चे बहुत शार्प हैं, उनको आप एक इशारा कहिए वो बाप आपकी बात समझ लेंगे बाज़ बच्चे हैं जिनको आप कहते रहिए उनको कई मतलब वक्त लगता है उस बात का उन पर असर होते हुए तो नेचुरली हर बच्चे की तरबियत का तरीका मुख्तलिफ होता है और पेरेंट्स बेहतर जानते हैं कि हमारे बच्चे की किस तरीके से हम तरबियत कर सकते हैं तो एक तो टाइम आप अपने बच्चे को दें और आप पहले टीचर हों अपने बच्चे के कि जो उसके जहन में ख़्याल उभर रहे हैं वो जानना चाहता है जो उसके अंदर जस्तजू की कैफियत है उसको आप सेटिस्फाइड कर सकें अपने एतबार से ताकि आप जाहिर है कि आप चाहते हैं कि आपका बच्चा माशे का बेहतरीन फ़र्द साबित हो और फकत इस क्योंकि देखिए ना मैं माँ बाप को इसकी तरफ भी मतवज करूँगी कि हर माँ बाप अपने बच्चे के फ्यूचर के लिए बहुत अवेयर होते हैं है कि नहीं हमें कितना होता है बचपन ही से हम जो है अच्छे स्कूल में अभी बच्चा जो है स्कूल एज का भी नहीं हुआ है हम स्कूल की सर्च शुरू कर देते हैं कौन सी एजुकेशन का वो है स्कूल कौन सा ऐसा है कि जहाँ पे हमारा बच्चा जो है बेहतर प्रोग्रेस करेगा और बेहतरीन तरीके से तालीम हासिल करेगा ताकि उसका जो मुस्तबिल बेहतर से बेहतर हो जाए तो हर माँ बाप बच्चे के फ्यूचर के हवाले से सोचते हैं मगर अफसोस इस बात का है कि इस दुनिया के फ्यूचर के हवाले से तो वो सोचते हैं कि जो कि श्योरिटी नहीं है कि उसको वो टाइम मिलेगा वो फ्यूचर तक पहुंच पाएगा है ना जिसका यकीन नहीं है उस फ्यूचर के लिए तो हम बहुत एफर्ट करते हैं कोशिश करते हैं मगर जो यकीनी फ्यूचर है यानी कि आखरत की मैं बात कर रही हूँ वो तो हर एक को फेस करनी है उस यकीनी फ्यूचर के लिए हम इतनी जद्दोजहद और कोशिश नहीं करते हैं कि जिस तरीके से दुनियावी मुस्तकबिल के लिए हम बच्चे के लिए एफ़र्ट कर रहे हैं तो दीनवी मुस्तकबिल जो कि यकीनी है हतमी है हक़ है आना है और हर जी रू को उस आख़रत को फ़ेस करना है तो उसके लिए भी हमें एफर्ट करना चाहिए कि हम अपने बच्चों को सिर्फ दुनिया की फ्यूचर के लिए दुनिया के मुस्बिल के लिए तैयार नहीं करें बल्कि आख़रत के लिए भी हम अपने बच्चे को तैयार करें और इसी सिलसिले इस में हजूर सल्ला वसलम की हदीस है कि आखिरी ज़माने में वाल औलाद को यानी कि वो मुसीबत आएगी किसकी वजह से अपने वालदेन की वजह से तो, तो वो फिर पूछा गया कि आया मुशरक़ वालदन की बात उन्होंने कहा नहीं मुशरी मोमिन वाले यानी कि वो दुनिया दुनियावी तालीम के लिए तो इतने कोशा रहेंगे कि उनकी इतनी यानि कि जद करेंगे मगर वो आखरत की फिक्र में नहीं होंगे तो साथ उन्होंने ये भी कहा कि मैं ऐसे वालदेन से बेजार, बेजार हूँ और वो मुझसे बेजार हैं और कितना बड़ा जुमला है अगर हम गौर करें जी जिस इब्तदाई प्रोग्राम में भी हमने उस जुमले को जो है वो बयान किया था कि रसोल खुद वसम ने रास्ते से गुजर रहे थे और कुछ बच्चों को खेलते हुए देखा और उन बच्चों को मुस्करा के देखा और उसके बाद आपने गिरिया शुरू किया तो आपके साहबी ने कहा कि इसकी रीज़न क्या है क्या वजह है कि आप अचानक गिरिया कर रहे हैं तो कह रहे हैं इन बच्चों को मैंने देखा तो मुझे जो है मुस्बिल के जो आखिरी दौर के ज़माना है उस दौर के बच्चे जो हैं वो मेरे मतलब मुझे उनकी याद इस सूरत में सता रही है कि उन वो उस ज़माने में होंगे कि जहाँ वालदे औलाद की तरबियत से गाफिल हो चुके होंगे और वो अपने वालदे की वजह से राह हक़ से दूर होंगे क्या वजह वालदे की तरबियत नहीं फ़ोकस नहीं करेंगे वालदे बच्चे के उस तरबियत के हवाले से कि जो उसको आख़रत के लिए तैयार करें तो आपने फरमाया मैं बरात करता हूँ ऐसे बच्चों से भी और ऐसे वालदेन से भी कि जो कि दीनी एतबार से जो है वो गफलत का शिकार होंगे और माशे का नासूर बन जाएंगे। आ, नाजरीन हम एक छोटी सी ब्रेक की तरफ चलते हैं इन मिलते हैं ब्रेक के बाद अल्लाम वरम् वरक नाजरन वेलकम बैक नाजरन अबोतमाव्यूज़ जिन्होंने अभी हमें जॉइन किया आज का हमारा टॉपिक पर बेश उसका फ़िफ्थ एपिसोड ले कर आपकी खित में हाज़िर हुए हैं और हम इस बात पे, इस, इस टॉपिक पे गुतगु करें कि जो सात से चौदह साल तक की उम्र के बच्चों की तरबियत कैसे करनी है और किन किन चीज़ों का ख्याल रखना है किन किन चीज़ों को मदनज़र रखते हुए हमें उनकी तरबियत करनी है ताकि उनकी और वालदे दोनों की दुनिया आखरत संवर जाए

डबल टू सेवन ज़ीरो फ़ोर सेवन जीरो और नेशनल कॉल्स के लिए जीरो वन टू वन डबल टू सेवन जीरो फ़ोर सेवन जीरो और इसके साथ साथ आप ईमेल भी कर सकते हैं ईमेल एड्रेस भी स्क्रीन पर है फीडबैक एट हदायत डॉट टी वी हम चाहेंगे प्लीज़ आप हमारे साथ प्रोग्राम में शिरकत फरमाएँ क्योंकि ये एक ऐसा टॉपिक है जो कि हम आपकी फरमाइश पर आ, इसको लेकर हम आए हैं और हम चाहते हैं जो वो तमाम हमारे व्यूज जिन्होंने ये रिक्वेस्ट की थी कि हम ये आ, प्रोग्राम ये टॉपिक जो है इसको अपने आ, प्रोग्राम में डिस्कस करें आ, तो हम चाहेंगे कि आ, क्या आ, कि वो व्यूज हमारे जो हैं क्या हम उनके पास अगर कोई सवालत हैं या वाकई में हम उनकी सेटिसफेक्शन के मुताबिक ये प्रोग्राम उसी पॉइंट ऑफ व्यू से आ, इस पे डिस्कशन करें यहाँ के वो कुछ कोई और एंगल से इसको डिस्कस करना चाह रहे हैं आ, तो प्लीज़ आप हमें कॉल करें क्योंकि जब तक आपकी कॉल्स नहीं आएंगी हमें इस बात की श्योरिटी नहीं होगी कि हमारा जो प्रोग्राम है वो उसी डायरेक्शन में जा रहा है जिस डायरेक्शन में कि आप इस प्रोग्राम को सुनना चाह रहे हैं या इस पर मज़ीद इंफॉर्मेशन हासिल करना चाह रहे हैं जी अपनी गुफ्तगु को आगे बढ़ाते हैं और इसी टॉपिक को कि कौन कौन सी चीज़ें कि जिनका हमें ख्याल रखना है क्योंकि आ, कहते हैं कि बच्चा जैसे कि लड़की के हवाले से हमने कहा था कि वो इसी अरसे में सात और चौदह साल के दरमियान का जो अरसा है नौ साल में वो बालग हो जाती है लड़का भी चौदह साल पे बालग हो जाता है तो ये दोनों के लिए एक बहुत क्रूशल स्टेज है और जब बच्चा बालग हो रहा होता है जब वो तो उस बालग होने के दौरान एक तो आ, जो बच्चा फिज़िकली भी और कहते हैं स्पिरिचुअली भी फिजिकली दोनों तरह से वो एक आम, स्टेज मुख्तलि स्टे, बड़ी क्रिटिकल स्टेज से या हसास या सेंसिटिव स्टेज से गुजरा होता है तो उसको बड़ी हमें केयरफुली हैंडल करना होता है कि वो दोनों चीज़ें जो हैं वो उनका बैलेंस बीच में कायम रहे क्योंकि अगर हमने एक चीज़ पर ज़्यादा तोजा दी कि उसके फिज़िकली उसके अंदर हारमोनल चेंजेस आ रहे हैं तो बच्चे के फ़िज़िकल हम ज़्यादा इंपॉर्टेंस दे रहे हैं तो वो स्परिचुअली जो उसकी डेवलपमेंट होनी थी वो उसमें पूरा नहीं उतरे और उसकी वजह से जो उसकी फिजिकल है लेटर ऑन वो भी अफेक्ट होगी उसकी जो है अपब्रिंगिंग तो इस चीज़ पर एक बहुत डेलीकेट स्टेज है बहुत सेंसिटिव स्टेज है तो मैं चाहूँगी कि अगर आप इस पर ब्रीफ करें कि किस तरह से हमें क्या क्या स्टेप्स लेने हैं कि परविश भाई बच्चों की सही तरीके से हो जाए जी बेशक नवीला बहन ये जो आप जिस स्टेज की गुफग फरमा रही हैं कि उसमें जो हार्मोनल चेंज आते हैं तो मूड स्विंग्स वगैरह का सिलसिला होता है बहुत ही ये क्रोशल स्टेज होती है बच्चे के अंदर बहुत ज़्यादा कहना चाहिए तोड़ फोड़ एक तरीके से हो रही होती है और वो ऐसी स्टेज से गुज़र रहा है कि जहाँ कन्फ्यूजन और क्योरसिटी और इस तरीके की कैफियत है तो उसमें हमें बहुत ही ज़्यादा मोहतात रहने की ज़रूरत है और हम जिस तरीके से उस एज में हम उसकी जिस्मानी नशोनमुमा के हवाले से हम बहुत कॉन्शियस uh, होते हैं कि किस किस्म की डाइट दें जो जिस उसकी नशोनुमा बेहतर हो उसकी सेहत अच्छी हो और एक्टिव हो और इस हवाले से तो उसी तरीके से रूहानी नशो नुमा की तरफ जो है ज़्यादा हमें उस पर फोकस करनी है क्योंकि जब जिसमानी नशो नुमा उस ग्रोथ ज़्यादा बेहतर तरीके से और फास्ट तरीके से होती है जब वो रूहानी नशो नुमा के हवाले से हेल्दी हो बच्चा जब उसकी रूह का जो, जो है रूहानी जिसम जिस्म जो है वो जब सेहतमंद होता है तो फिर जिसमा जिसम जो है वो ख़ुद ब खुद ही वो जो है वो ग्रो करता है तो उसके लिए इस सख्त जो है हमें उसकी रूहानी नशोनुमा की तरफ ज़्यादा फोकस करने की ज़रूरत है और उसके लिए जो हमें जिसे कहते हैं ना कि जब आप एक बीच बोते हैं तो उस बीच को बोने के लिए आप सबसे पहले क्या करते हैं सॉइल को जो मिट्टी होती है उसको प्रिपेयर करते हैं उसको इस काबिल बनाते हैं कि जो बीज आप उसके अंदर बोएंगे तो उस मिट्टी के अंदर वो क्वालिटी होनी चाहिए वो खासियत होनी चाहिए कि जो उस बीज को ग्रो कर सके अपने अंदर हुँ. तो उसके लिए इसी तरीके से बच्चा जो है वो एक इस सख्त एक बीज की सूरत में है यानी कि उसके किरदार का हम बीज बोना चाहते हैं करेक्टर बिल्डिंग इस सख्त जो है हम बच्चे की कर रहे हैं तो उसके लिए बेस जो है वो क्या होनी चाहिए कि हमें अपने बच्चों को जो है शर्म जो कि इस्लाम में जेवर कहा जा, जाता है कि शर्मो हया बहुत इम्पॉर्टेंट है कि हम अपने बच्चों के अंदर ये हस पैदा करें कि उनके अंदर हया हो शर्म हो जो शर्म इंसान के अंदर ये क्वालिटी हो तो फिर वो कभी भी न, उन कामों की तरफ मुतवज्जो नहीं होता है कि जिसमें उसको ये हो कि मेरी बदनामी होगी या मुझसे कोई नाराज़ हो जाएगा क्योंकि जाहिर है कि उसके अंदर हया जब होगी तो वो हया करेगा अपने रब से सबसे पहले कि मैं कोई ऐसा काम ना करूं कि जिससे मुझे अपने रब की बारगाह में शर्मिंदा होना पड़े फिर वालदैन हैं अल्लाह बाद वालदैन है जो बच्चे की पूरी दुनिया है तो फिर उसके लिए भी उसके अंदर जब शर्मो हया होगी तो वो इस फिक्र में रहेगा कि कोई एक्शन मेरा ऐसा ना हो मुझसे सरजत कोई काम ऐसा ना हो जिससे मेरे माँ बाप हार्ट हो और वो जो है ना राहत हो जाए मुझसे तो शर्म एक तो बहुत ज़रूरी है दूसरी चीज़ इस ख़त बच्चा एक आईने की सूरत में है वो आईना कि जिसके रूबरू जो चीज़ आती है वो उस आईने में नज़र आती है आईना यही होता है ना कि आप आईने के सामने जो शय आ जाए वो शय आपको आईने में नज़र आती है तो बच्चा आईने की सूरत में है और वालदे शय है कि जो बच्चे के उस आईने में वो उनका अक्स बच्चा देख वालदेन का अक्स देखता है और फिर ज़ाहिर है वो शीशे में फिर वही शख्सियत वही किरदार नज़र आता है तो बच्चे के अंदर फिर वही किरदार मुंतकिल होता है तो पेरेंट्स को इस हवाले से बहुत ज़रूरी है कि अपने आप को एफर्ट करें एटलीस्ट बच्चों के सामने अपने किरदार को इतना बेहतर बनाएं कि बच्चा आपके बिहेवियर को जब वो अपने आईने में मुंतकिल करता है तो वो एक बेहतरीन फ़र्द माशरे का साबित हो फॉर एग्ज़ाम्पल आप देखिए कि बच्चे की आप देखिए मतलब कि कोशिश या जानते या बूझते बच्चा जो है वो हर तरीके से अपने माँ बाप को जो है वो फॉलो करता है किस सूरत में अंदाज़ गुफ्तु है जो माँ बाप जिस अंदाज गुफ्तु में बात करते हैं जो उनका अंदाज गुफ्तु है बच्चा उसी को कॉपी करता है ना इस ख़त हमने पहले भी कहा था कि बच्चे की ये जो स्टेज होती है वो अपने पेरेंट्स को कॉपी करता है अब अगर पेरेंट्स का अखलाक देखिए, अखलाक अगर अच्छा नहीं है तो जाहिर है बच्चों के अंदर वही लबो लहजा ट्रांसफ़र होता है वही अखलाक वही तरीक़ा जो माँ बाप का मिजाज जो होता है वो बच्चे में मुंतकिल होता है तो माँ बाप को बहुत कॉन्शियस रहने की ज़रूरत है कि उनका लबोलहजा औलाद के साथ और घर में भी उनका लबोलहजा ऐसा होना चाहिए कि जो बच्चे की शख्सियत पे पॉजिटिव असर हो नेगेटिव असर उसके ना हो तो इस तरीके से बेशुमार आपके रवैया है आपका अखलाक है आपके आदाब हैं आपके वे ऑफ लिविंग है आप घर के आपके घर के तौर तरीके हैं चूँकि जो बच्चा जो है अभी तो वो सिर्फ ये ना कि जो मेरे पेरेंट्स से बच्चा ये एज जो है उसमें बच्चा कहता है कि बस माई पेरेंट्स आर द बेस्ट है नहीं कार्ड में भी मदर्स डे पे और इस पे जो बच्चे कार्ड लिखते हैं उसमें क्या कहते हैं कि दुनिया की सबसे बेहतरीन माँ मेरी माँ है रोल मॉडल समझते हैं वो उस वक्त उनको दुनिया में कोई शेय अच्छी नहीं लगती माँ माँ मा और बाप के अलावा कि बेस्ट है तो जाहिर है जब वो अपने माँ बाप को बेस्ट समझते हैं तो माँ बाप को फिर बेस्ट बनना भी बनना चाहिए और यही है कि जब अभी है कि ये एज आती है कि बलोगत की एज आती है तो फिर शुरू से यानी कि अब एग्जैक्ट नौवें साल में लड़की को नहीं उससे पहले ही शुरू में सालों में यानी कि बच्ची को थोड़ा थोड़ा यानी क्योंकि बच्ची की एज ऐसी होती है ना छोटी और फिर वो होती है कि लड़का पंद्रह साल में बालग हो रहा है और लड़की नौ साल में तो उनके जहन में एक सवाल आता है कि क्यों तो ये माँ का वालदे का फ़र्ज़ है कि वो उस बच्ची के दिमाग में डालें कि अल्लाह तला

कहने से पहले सबसे पहले मैं आप तमाम बहनों को मुबारकबाद पेश करता हूँ हजु इमान तो नकम की, की उलादत के सिलसिले में और भागा भागा में आपने जो फरमाया है तबीयत औलाद के बारे में और ये जो एज आपने बताई है वो वो टीम वर्क जो है टीम वर्क वो ऐसी है कि वाकई इसमें बहुत ही शदी जरूरत आती है तबीयत औलाद के सिलसिले में और यकीन क्योंकि मैं किसी और बात नहीं करूँगा मैं सिर्फ अपनी ही बात करूंगा क्योंकि तो मुझे हकीकत में पता है कि मेरे बच्चे भी बड़े हुए स्कूल गए मैंने भी कोशिश की कि आला से आला तालीम को दुखाया जाए और बहुत अच्छी तरह से उनको पढ़वाया भी जाए लेकिन हर वक्त मेरी कोशिश होती थी जब भी मैं अपने साथ अपने बच्चों को साथ लेके जाता था जैसे कि मैंने मेरे बुजुर्ग साथ जाता था तो वो मुझसे मेरी वारदा पूछती थी मौलाना साहब ने क्या पढ़ा है मौलाना साहब ने आज जो आयत थी उसका एक क्या दर्ज में बयान किया है वही तरीका मैंने भी एडोप्ट किया और मैंने भी खासतौर पे अपनी बच्चियों से जो मेरी बेटियाँ हैं उनसे मैं सवाल करता तो था आज बटा और मौलाना साहब ने मेरे पढ़ा हुआ के बारे में कितनी खूबसूरत बात की जो तुम समझ में आया बातें वो भी समझ में आई और खासकर आप यकीन कीजिए अब वो एक बहुत ही अच्छे तरीके से उसको बयान भी करती है और वो समझती भी है तो जरूरत इस बात की है कि खासकर ये उम्र जो है जो आपने फरमाई है सात से चौदह साल इसमें बहुत ज्यादा राज को तवज्जो देने की जरूरत है और सबसे अहम बात यह जैसे कि वगैरह में अभी हम जाते हैं, वो कहते हैं कि भाई अब बच्चों के लिए प्रवान होना है बच्चों को हम दर्ज देंगे बच्चों को पढ़ाएंगे लेकिन मैं ये कहता हूँ बच्चों से पहले आप उनके वाले को दर्ज दें उनके वाले को पढ़ाए क्योंकि वालदेन असल में जिस तरह से बता सकते हैं समझा सकते हैं वो दूसरा कोई नहीं समझा सकता जब तक वाले मेारे नहीं होंगे जो कि वो अपने बच्चों को तालीम दें आप वो बात किसी कोई और नहीं पैदा कर सकता कोशिश ये करना है कि हम अपने बच्चों को बहुत ही जितना हम दुनियावी कानों डालते हैं दुनियावी तालीम देते हैं उससे ज्यादा अहम बात यह है कि हम उनको दिन तालीम की तरफ भी उनको रुजू करें खासतौर पर तफसल कुरान बताए और ये बताएं कि मौलानजरत ने क्या फरमाया है वो इनके बारे में क्या इशादात है और ये जो साइंसी तरक्की है ये सिर्फ अपने आप ही पैदा नहीं हो गई है बल्कि ये सब कुछ जो हमें 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 दस मिला है ये उसका तो वही सिलसिला आ रहा है बहुत बहुत शुक्रिया मैंने आपको बहुत बहुत गुजारिश है अल्लाह के बहुत बहुत शुक्रिया आपका बहुत शुक्रिया ख़ैर बहुत अच्छे पॉइंट्स की तरफ आपने तोजो कराई अनीस भाई जी नादिया बहन हम आप कुछ बता रही थी कि लड़कियों की कि लड़कियां जब बालिग होने से पहले तो हमें किस तरह से उनको उनकी तरबियत करनी चाहिए और मेरा ख्याल है सात साल से पहले ही हमें थोड़ा थोड़ा बच्चों को ज़ाहिर है अगर माँ बर्डन ना लगे ना उनको जिनके आई थिंक माँ एक रोल मॉडल बने ना एक मिसाल नहीं। बने नहीं। माँ हिजाब पहनती हो तो बच्ची के दिल में भी शौक़ पैदा होगा माँ नमाज़ पढ़ी है तो बच्ची साथ साथ है तो बच्ची के दिल में भी ये सब चीज़ें आ रही होंगी जी जहन में जी तो वो यही है कि एकदम यानी कि उसको थोड़ा हिजाब भी शुरू से ही करते रहें उधर इमाम बारगाह जा रहे हैं या उसको कराते रहें अगर यहाँ पे जरा स्कूल में जरा थोड़ा स्ट्रिक्टनेस है थोड़ा नहीं है तो मगर ये कि जहाँ आप अपनी फैमिली में जा रही है या थोड़ा थोड़ा उसको आदत मगर जब यानी कि उस पर फर्ज हो जाए तो वो उसको बर्डनाइज ना होना वो वो ना कहे कि ये मेरे साथ क्या हो गया है क्या ये हो गया वो उस वक्त होता है कि जब एकदम से आप उसको एकदम उसमें डाल देते हैं कि अब बस तुम बालग हो गयी हो तो अब ये तुम्हें वाजिब हो गया और तुम्हें करना है अगर आप ग्रेजुअली स्लोली बच्चे को लड़की को बिल्डअप करते आएंगे तो वो खुद खुशी से रहने की जैसे उस दिन भी बात हो रही थी हमारी आ, जो अमाम बारका है वहाँ पे रेगुलरली हमारे जो यूथ हैं वो काफ़ी ऐसे प्रोग्राम रखते हैं बालिगा के प्रोग्राम रखते हैं कि जो बच्चियाँ उस साल बालिगा हुई हैं उनको उनके लिए एक सेलिब्रेशन होती है फिर उनको बताया जाता है कि आपकी अब क्या आप बालग हो गई तो उसकी ज़िम्मेदारियाँ क्या हैं सिर्फ ये नहीं कि आप बालग हो गए हो तो उसे प्रेजेंट दिए जाते हैं हिजाब उनको प्रेजेंट तो यही हम वाले को भी कहेंगे कि बच्ची का वो जो जो है बजाय हम बर्थडेज़ तो सेलिब्रेट करते से हैं जैसे अभी आपने पहले भी कहा ना दिया बहन तो हमें बालिका जो है उसकी जो नाइन्थ बर्थडे है एज़ अ बालिका उसको ज़रूर हमें बड़े तरीके से सेलिब्रेट में करनी में चाहिए में जैसे हमारे एक फ्रेंड्स हैं मिलने वाले हैं तो उन्होंने उन्होंने अपने बच्चों की एक इतना बड़ा एफ़र्ट किया कि हम वो ख़ास दुबई गए और वहाँ जा उन्होंने उसको सेलिब्रेट किया एक बहुत बड़े तरीके से ताकि बच्चे को याद रहे कि मेरे ज़िंदगी में एक बहुत बड़ा इवेंट हुआ है बड़ा चेंज चेंज आया है तो तो और देखे वो देखे मेरे लिए बहुत देखे बड़ी इवेंट है सब ने इसको इम्पोर्टेंस दी है वरना अगर आप उसको इग्नोर कर देंगे और हम उसकी जो जाहिर है जो एक इंग्लिश बर्थडे है उसको इंपॉर्टेंस देते रहेंगे तो बच्चे को भी फिर इतनी इम्पोर्टेंस का एहसास नहीं होता तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो हमारे सब व्यूर्स के लिए भी कि जब बच्ची लड़की नाइन्थ बर्थडे हो और वो यह है नाइन्थ बर्थडे जो है वो इंग्लिश बर्थडे से डिफरेंट होगी इस्लामिक बर्थडे जो होती है वो पहले आती है तो वो उस हिसाब से उस हिसाब से उसको सेलिब्रेट करें उसको एक बहुत बड़ा इवेंट्स करार दें ताकि आ, बच्ची को भी एहसास हो कि मेरी स्पेशल मुझे कोई ट्रीटमेंट मिला है और जैसे वो बता रही थी कि उन्होंने पूरी अपनी बच्ची की वार्ड्रोप चेंज कर दी उसको बताया कि आप तुम छोटी छो, बाजू वाले कपड़े नहीं पहन सकते एक्स्ट्रा एक्सपेंस कहती है आया लेकिन बच्ची को एहसास हुआ वो इतनी खुश हुई कि मेरे लिए एक एक्स्ट्रा वार्ड्रोब मेरे लिए एक्स्ट्रा हिजाब आए हैं उसके हिजाब भी ड्रॉज़ में सजाए गए मैचिंग कपड़ों के साथ तो वो इतनी खुश हुई कि मेरे पास इतनी चीज़ें वो खुशी के साथ मैचिंग हिजाब पहनने लगी। जैसे हम लोग क्या जो हम लोग के कल्चर में वैसे कि अरब और ईरान कल्चर में तो ये बालिग का सेलिब्रेशन होती है बाकायदा बहुत बड़ा इवेंट करते हैं वो लोग अपने अपनी हैसियत के एतबार से मगर हमारे इंडिया पाकिस्तान के कल्चर में रोज़ा कुशाई के नाम पर ये इवेंट होता था और उसको बाकायदा लड़की को दुल्हन बना के यानी कि जो एक वो हो होता है ना बच्चियों को बहुत उस तरीके से और अहले ख़ानदान को बुला के उसकी ये जो है सेलिब्रेट किया जाता था कि फ़र्स्ट रोज़ा उसने रखा, रखा है।, है जो कि वाजिब है और फिर तोहफे और उसमें नेचुरली अब जब बच्चे को ही होता है कि मुझे इतनी इम्पोर्टेंस मिल रही है और मैं कोई मेरे साथ कोई ऐसा अच्छा बिग हाँ बिग चेंज यानी कि हुसन बलूख पर पहुँचना जो है ये अलामिया की ब्लेसिंग है और अल्लाह सुबहाना तला ने मुझे ये मकाम दिया है तो जब वो उस चीज़ को फील करेगी अब यहाँ पर पे पेरेंट्स को जहाँ वो ये कि भाई देखो तुम्हें एक स्पेशल ट्रीटमेंट मिल रहा है अब उसके साथ साथ इस ट्रीटमेंट जो भी स्टेटस मिलता है उसकी कुछ रिक्वायरमेंट होती है कुछ रिस्पांसिबिलिटी होती है जो कि तुम्हें अब तुम्हारे ऊपर ज़िम्मेदारी है यू आर आ एडल्ट नाओ इस सूरत में कि बाले हो गई हो तो अब तुम पे ये रिस्पांसिबिलिटी है कि तुम जो है अल्लाह की रज़ा के मुताबिक जो जो इस एज ग्रुप में तुम्हारे ऊपर वाजिबात हैं वो उसको एक्सप्लेन की जाए जो कि बड़े अफसोस की बात है कि हमारे यहाँ इस कस्म की तालीम की तरफ पेरेंट्स मुतवज़ नहीं।, नहीं है कि जब बच्ची उनकी बालें होती है तो वो बैठ के उसके साथ डिस्कस करें उसको बताएं कि अब तुम्हारे लिए क्या वाजिबात हैं क्या तुम्हें करना है जो तुम नहीं करोगी तो अल्लाह ना राहत होगा नाराज़ होगा और अब यह बुक ऑफ एक्शन में तुम्हारे जो है ये अकाउंट खुल गया है अब तुम जो भी काम करोगी राइट और रॉन्ग वो उस पर लिखा जा रहा है तो उससे ये कि बच्चे के अंदर देखिए कुरान में भी कुरान ने तालीम का हमें तरबियत का तरीक़ा और करीना सिखाया कि किस तरीके से तरबियत हमें करनी चाहिए तो उसमें क़ुरान जो है वो भी हिदायत है और उससे भी इंसान हिदायत हासिल करता है अल्लाह सुबान तै नूर हिदायत बनाकर उसको भेजा है तो उसमें क्या है कि कुरान को पढ़ो सिर्फ पढ़ना नहीं है अफला तकलोन कि उस पर ग़ौर व फ़िक्र करना है उसमें जो हुक्म है उसकी हेकमत को समझना है उसकी इम्पोर्टेंस को समझना है उसकी तह तक पहुँचना है और उसके बाद फिर जाहिर ऐद ब खुद जब तुम्हारे अंदर अवेयरनेस पैदा हो जाएगी ख़ुद उस हुक्म की इम्पोर्टेंस को तुम महसूस करोगे और मुमकिन ही नहीं है और फिर क़ुरान का जो तरीक़ा हिदायत है वो क्या है क़ुरान एक बेहतरीन तरीक़ा है रहनुमाई करता है हर पेरेंट को कि किस तरीके से हमें तरबियत करनी चाहिए अपनी औलाद की क़ुरान ने जिस तरीके से तरबियत की एक तो हुक्म दिया और उस पर कहा ताक़ुल करो यानी उस पर गौर फिक्र करो और, और उस हुक्म को जब आयद किया है तो उस हुक्म के आयद करने की हकमत को भी उसके साथ साथ बयान किया है यानी उसकी जो उस हुक्म की को ओबे करने में तुम्हारे क्या फ़ायदे यानी कि जो हमने तुम पे नमाज हमने तुम पर वाजिब की है तो ये नमाज क्या है ये नमाज तुम्हें जो है वो गुनाहों से प्रोटेक्ट करती है तुम्हें शैतान के शर से बचाती है ये नमाज़ तुम्हारे अंदर क़ुरब इलाही पैदा करती है अल्लाह से क्लोज़नेस पैदा करती है तो उसके फ़ायदे अल्लाह तआला ने बयान फरमाए और फिर जो आ, नमाज नहीं अदा करते होंगे, उनके नुकसान अल्लाह ने जो है वो बयान फरमाए कुरान में कि बेनमाज़ियों का ऊपर अजाब शदीद है ख़ुदा का गज़ब है और वो जो है वो जहन्नुम की आग में उनको जलाया जाएगा यानी कि अल्लाह सुबहान जब हुक्म दिया तो उस हुक्म के फ़वाद और नुकसान दोनों हवाले से लोगों को अवेयर किया उनको नॉलेज प्रोवाइड की उनको ए, उनकी रहनुमाई की और उसके बाद ज़ाहिर है कि जब इंसान उसके अच्छाई और बुराई पर गौर फिक्र करता है तो कोई बदअली होगा जो अपने लिए नुकसान को पसंद करे तो ये तरबियत का तरीक़ा हमें कुरान ने सिखाया इसी तरीके से हमें औलाद की भी तरबियत करनी है कि जब हम उसको ये बता रहे हैं कि अब तुम उसने को पहुँच गई हो बेटी की मिसाल में दूँ और बेटा भी जब बालि हो जाए तो अब तुम्हारे ऊपर क्या फ़राय आयद होते हैं क्या वाजिबात हैं जो तुमको अदा करने कंपलसरी हैं और तुम इससे कोई तुम्हारी एक्सक्यूज़ नहीं है तो जब हम उसको इसके बारे में एजुकेट करते हैं तो फिर हमें ज़रूरी है अब जैसे हिजाब है नौ साल की बच्ची पर बाल हो जाता है तो हिजाब की हमत क्या है अल्लाह सुबाणा ने औरत पर क्यों हिजाब को जो है वो वाजिब करार दिया है लागू किया है क्या रीज़न है उस बच्ची को बैठ के आप वो रीज़न वो लॉजिक बताइए ये नाइन बरस की एज है यकीन जानिए जब बच्चे को उसके लेवल पे जाके उस हिजाब की इम्पोर्टेंस के हवाले से कि अल्लाह तुम्हें क्यों इस हिजाब के अंदर प्रोटेक्ट करना चाह रहा है बिकॉज़ तुम बहुत ही स्पेशल और यूनिक अल्लाह की क्रिएशन हो ब्यूटीफुल क्रिएशन हो और अल्लाह हमेशा अब वैल्यूएबल क्रिएशन हो और अल्लाह हमेशा कीमती चीज़ों को बहुत ही ज़्यादा उस तरीके से प्रोटेक्ट करता है प्रोटेक्शन अता करता है ताकि कोई भी इंसान ईवल आई जो है वो उस शहर तक ना पहुंच सके और उसको कोई नुकसान ना पहुंचे तुम स्पेशल अल्लाह की निगाह में तुम स्पेशल हो और अल्लाह तुम्हें हिजाब की सूरत में रैप करना चाहता है एक बेहतरीन तोहफे की सूरत में कि जितना तहफा को आप बेहतरीन रैपिंग में रखेंगे उस वो उतना ज़्यादा वो खूबसूरत और महफूज रहेगा तो इस तरीके से जब हम एजुकेट करेंगे बच्चे को तो मोहला बच्चे के अंदर हिजाब की उसके लिए बार नहीं होगा उसके लिए बर्डन नहीं होगा बल्कि वो उसको अपने जब वो हिजाब पहनेगी तो वो प्राइड फील करेगी कि यू you नो know, अल्लाह ने मुझे चूज़ किया आई एम द चोज़न वन कि जिसके लिए अल्लाह ने हिजाब को वाजिब किया तो ये पेरेंट्स की जिम्मेदारी है कि आप किस तरीके से उन वाजिबात की अवेयरनेस अपनी औलाद में पैदा करते नास्रीन ब्रेक की तरफ चलते हैं फिर इनशाला जहाँ से हमने अपनी गुफ्तु को छोड़ा था वहाँ से इनशाला दोबारा से कंटिन्यू करेंगे मिलते हैं ब्रेक के बाद इनशाला मज़ाद नाज्रीन असल वरह लरकता हूँ नाज्रेन अभी तक जो हमारा औलाद के हवाले से गुफगु जारी है उसमें हमने डिस्कस किया कि सात से चौदह साल तक की उम्र में जो सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट ये है कि जो भी हम बच्चे को बच्चे के लिए पहले तो वालदे ख़ुद एक रोल मॉडल बने और जो आदात वालदे की होंगी वही बच्चे जो हैं वो भी अडोप्ट करेंगे वही बच्चे सीखेंगे और, और उसके हवाले से सबसे इम्पोटेंट पॉइंट जब बच्चे को कोई भी चीज़ हम एक्सप्लेन करें क्योंकि ज़ाहिर है वो उसके वो ऐसी उम्र से एक ऐसी स्टेज से गुजर रहा है कि जिसके जब उसके अंदर एक बहुत क्योसिटी तजस और अजीब मिली जुली कैफ़ियात हैं तो उसको जब भी कोई चीज़ या किसी चीज़ की तरफ रागब करना हो किसी चीज़ को वाजिबात की तरफ लाना हो तो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ जो सवाल हवाले से है कि बच्चे को रीजनिंग दे के वो चीज़ समझाई जाए ये इस्लाम भी इस बात पे बहुत एम्फसाइज़ करते हैं कि हर चीज़ जो भी बच्चे को बताई जाए उसकी रीजनिंग ज़रूर उसको फरहम की जाए क्योंकि माशा कुरान में हर जो भी वाजिब चीज़ है हर जो भी अहकाम अला है उसके हवाले से बहुत तफसील से बताया गया और बहुत ही खूबसूरत हमें अहदीस में भी मिसालें भी दी गई हैं बहुत सी हमें ऐसे कहानियाँ भी मौजूद हैं पैगम्बरों की हवाले से ही बहुत से किस्से मौजूद हैं जो कि हम बच्चों को सुना के और उसके हवाले से मिसाल दे के बच्चे के अंदर उस चीज़ को उस पर अमल करने का एक शौक पैदा कर सकते हैं तो बस आइए आज अब इसी गुफ्तु को आगे बढ़ाते हैं नादिया बहन आपकी तरफ़ आते हुए आप क्या कहेंगे अभी तो हमने हिजाब के कॉन्सेप्ट को डिस्कस किया कि बे, बे लड़की जो है उसको हमने किस तरह से हिजाब की तरफ़ लाना है जैसे पहले हमने डिस्कस किया कि उसको आहिस्ता आहिस्ता हम इस चीज़ की आदत डालें और फिर उसको रीजनिंग के साथ बताएं कि ये कितना ज़रूरी है तुम्हारे लिए कितना इंपॉर्टेंट है तो अब आप उसके और उस आ, और किस चीज़ पर हमें अब करना है और भी ये वाजिबात नमाज के हवाले से है और फिर यही है कि जैसा हमने पहले डिस्कस किया कि उनके लिए अलग जान नमाज होनी चाहिए ये होनी और फिर रोज़े के हवाले से भी यही है कि बच्चे को छः सात साल की उम्र से ये रोज़े की आदत उस उनको सैरी पे उठाएं उनको खिलाएं पिलाएं नमाज वो करें और फिर आधे दिन में उनका रोज़ा खुलवा लें ये इनकी क्या है कि ये एक तरबियत है के बच्चे अगर को वो चु... पूरा रख सकता है सात साल की उम्र में बच्चा तो फिर उसको रखने यहाँ पे भी देख लेना की गर्मी और ये वो फिर ये होगा ना कि वो तो पूरा रख लेगा मगर आखिरी आखिरी टाइम पे बहुत बंदा निढाल हो जाता है और फिर वो नेक्स्ट टाइम रखते हुए सोचेगा ना कि मैं फिर वो ना और इसलिए तो उनको आस्ता आस्ता तरबियत करें ना कि आप पहले खुलवा लें और फिर इसी तरह करके फिर इन उसमें फिर वो यूज हो जाएगा और फिर वही बात सारी घूम फिर के वही आ जाती है कि हमने वालदे ने खुद ठीक होना है ना कि इस खुद सही होना है बच्चों के सामने माँ बाप अपनी एक दूसरे की इज्जत करेंगे और माँ बाप अपने वालदे की इज़्ज़त करेंगे बेशक वो बच्चों के सामने ना भी करें या फिर वो बच्चों को दिखा दिखा ना भी रहे हों मगर वो बच्चों पे असर होती है बच्चे का बाप का या बच्चे के सामने बड़ी बड़ी तकरीर कर लेना है कोई असर नहीं होता छोटा सा अमल भी वो बच्चों पे असर डाल देता है जो आप ये ये एक, एक वो भी हमारा तजर्बा भी यानी कि हो सकता है कि जो अपने यानी कि वालदेन की जो रिस्पेक्ट करता है या ख्याल रखता है आगे औलाद उनकी भी वैसे ही, भी रिस्पेक्ट, भी ही रिस्पेक्ट करती है और वो उस तरह करती है और दूसरी ये कि उनके लिए उनकी यानी कि जायज़ चीज़ों को उनके उनके लिए फरहम करें और उनके उनको किसी और की मदद ना लेनी पड़े और वालदेन को अपने औलाद का बेस्ट फ्रेंड खुद बनना चाहिए ताकि वो किसी और दूसरे को ना ढूंढे कि जिनसे अपनी प्रॉब्लम शेयर करें और वो इस तरह और तल, दिल की कैफियत ना करें, करें। की। तो ये एक जो रिलेशनशिप है ये बच्चों को बच बच्च, वालदन को बच्चों के साथ शुरू से ही बनाना से है ताकि बच्चे वालदेन के साथ ईजी फील करें अगर हम बच्चों को छोटी छोटी बात पर डांटते रहेंगे तो बच्चे ज़ाहिर है दस दफ़ा सोचेंगे कि मैं अब फिर अगर वालदेन से कोई मैंने बात की तो वो मुझे फिर डांट पड़ेगी और यही डांट की वाली बात ये आती है कि कोई भी बच्चा यानी कि बच्चे का अगर काम शुरू कर रहा है तो हम उसे ये ना बोलें कि ये तुमने तो ख़राब ही करना है ये काम ठीक है फिर उसमें वो चीज़ उसको काम करने का वो उसमें बढ़ेगा ही नहीं ना आगे वो मतलब कि पॉजिटिव उसको हमेशा पिक्चर जो है वो दिखाई जाए ये नहीं कि नेगेटिव उसको हर वक्त सोच के साथ उसको और वही ये ये तो चले फिर डांट की बात है वो फेबाजी ने जैसे पहले वो बात की कि उनको अच्छे तरीके से वो बात की जाए अरे ये इस्लाम इसमें भी एक कॉल भी है कि बच्चों को अच्छे नामों से पुकारा जाए ठीक है अब हम जिस तरह बच्चा कुछ मस्ती कर लेता है तो हम उसको कहते हैं आई इसने तो फलां की तरह कर लिया ये तो फ़लाँ नहीं बच्चे को अच्छे नामों से हम जब उनको पुकारेंगे अब जब हम उसमें देखते हैं जनाब फ़ातमा सलाम किस तरह अपने बच्चों को पुकारी हैं नूरुलैन कुरत उस तरह करके और मेरी आँखों की ठंडक और ये वो इस तरह करके तो ये बच्चों पर असरअंदाज होती हैं ये चीज़ें कि ये ख़ास कर बच्चे तो ये चीज़ों को दिल पे लेते हैं अपने कि मेरे पेरेंट्स मुझे इस तरह कह रहे हैं अगर बुरा कहेंगे तो वो ये कहेंगे ये तो इसी तरह हमेशा मुझे कहते हैं तो मुझे वो ही नहीं करते हौसला अफजाई नहीं करते हम मेरी तो ये तो फिर मैं तो मेरा फ़ायदा नहीं है कुछ करने का ना मतलब कि बच्चा फिर डिप्रेशन का भी शिकार हो सकता है तो हमेशा जो है पॉजिटिव उसके साथ अप्रोच रखी जाए इनक्रेज करते रहें अभी जैसे आप आपने कहा कि आ, बच्चे को जो जो भी चीज़ हम बताएँ या जिस चीज़ की तरफ भी लाएँ उसकी आ, उसके न, उसको हम पॉजिटिव वे में उसको बताएँ उसको इंक्रेज करें और उसको बेहतरीन नामों के साथ बुलाया करें ब, 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 बुलाना चाहिए राधा दिन कि कैसे जब भी बच्चा शरारत कर दे कोई चीज़ तोड़ दे या कुछ तो अमूमन देखा है कि किसी कोई भी लफ्ज़ इस्तेमाल करके बच्चे को डांट दिया जाता है कि तुम तो हमेशा ऐसे करते हो उससे बच्चे की जो एक फ़ीलिंग होती है वो मजरू होती हैं जो अंदर की उसकी जो एहसा, एहसास होते हैं वो मजरू हो जाते हैं जिससे बच्चा बहुत लो फील करता है और फिर कहते हैं बच्चे का कॉन्फिडेंस भी जो है उससे लूज़ हो जाता है आपने पहले एक बात की नादिया बहन अपनी गुफ्तु में कि जैसे बच्चों को वाले को एक रोल मॉडल बनना चाहिए एक मिसाल बनना चाहिए और ये नहीं कि बच्चे अगर बैठे हों वाल को या माँ को बच्चों को टाइम देना चाहिए माँ खुद फ़ोन पे हैं और बच्चे जो है अपना टाइम इधर उधर जिस तरह से भी है वो गुजार रहे हैं कम अज़ कम माँ जब मैं कहूँगी कि इस बात का भी हम ख्याल रखें कि जब हम बच्चों के सामने फ़ोन पर हों तो हम केयरफुल हों कि हम क्या बात कर रहे हैं को हम बच्चों से बात नहीं कर रहे हम किसी और से बात कर रहे हैं लेकिन बच्चे भी उसका असर ले रहे हैं उस गुफ्तु का उसको सुन रहे हैं और उसका असर लिया जा रहा है तो इसका भी हमें खास तौर पर ख्याल रखना चाहिए और इसके साथ साथ जैसे कि बच्चों को हम कई दफ़ा कह देते हैं कि झूठ मतलब कभी कभी हम देखते हैं कि हम तो कोई गलती नहीं करते हम झूठ भी नहीं बोलते आ, बच्चे को हमने कभी आ, गलत कोई बात नहीं सिखाई लेकिन जाने बच्चा क्यों सीखता है और बच्चा Uh, क्यों इन बातों को कहाँ से पिक कर रहे हैं और हम दूसरों को ब्लेम कर रहे होते हैं या तो स्कूल से पिक कर रहे हैं या अगर फैमिली में कोई और बच्चे हैं शायद उनके साथ उठता बैठते हैं, तो उनसे पिक कर करें लेकिन यहाँ पे क्या आप समझती हैं मतमा मतलब फैज़ साहबा कि हमें पहले अपना भी मुहासबा करना है फ़ौन हम कोई बच्चे में कोई नेगेटिव चीज़ देखें तो अपना फ़ौर देखें कि हमने तो नहीं ये उसको सिग्नल दिया बिल्कुल नबीला बहन इसकी तरफ और करने की ज़रूरत है कि एक तो बच्चा झूठ किस तरीके से सीखता है उसकी वजह ये है कि अक्सर पेरेंट्स ये होते हैं कि बच्चा अगर कोई फरमाइश कर रहा है या कि कोई ज़िद कर रहा है तो पेरेंट्स उस वक्त उसको कूल करने के लिए कि इस तरह इसकी जहन जी सब कॉलर जी जरूर असल आपकी बड़ी अच्छी गुफ्तु है ये ये बता पूछना चाह रहे थे आप ऑनलाइन जी जी आप अपना नाम बताना चाहेंगे भाई जी नहीं मैं सिर्फ एक बात सवाल करना चाह रहा हूँ आप लेडीज को प्रोग्राम माइंड ना कीजिएगा जी जी फरमाइए अगर अगर आप कह रहे हैं कि बच्चों के असर होता है ठीक है माँ बाप का तो बड़ा असर होता है मैं मानता हूँ आपकी बात बड़ा असर होता है अगर जो माँ अपने बच्चों के ऊपर असर ज्यादा दिखाना चाह रही है की मैं मैं ही मैं हूँ जो अखबाप है वो कुछ नहीं है तो उस समय बच्चों को क्या फीलिंग होगी ठीक है जी बाप का काम सिर्फ इतना ही है कि वो बाप से कमा के लाए और घर पर घर को दे और बात की कोई रिस्पेक्ट ना हो कोई ना हो ठीक है हमारे साथ रहिएगा इंशाल्लाह बहुत अच्छा सवाल आपने किया बल्कि नाज़रीन आपसे भी यह दरख्वास करूँगी कि प्लीज़ हमें आ, आ, और भी कोई ऐसे सवाल हैं क्योंकि उससे सिर्फ़ आप नहीं मुस्तफ़ होंगे हम भी और लोग भी क्योंकि हम उस सवाल को फिर डिफरेंट एंगल से डिस्कस करेंगे तो जाहिर है कि आ, उससे आ, उसी से ही हम अपनी असलाह भी कर सकेंगे तो प्लीज़ हमें आ, 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 आप कॉल करें और कोई भी आपके ज़ेन में सवाल हो इस हवाले से तो आप ज़रूर हमारे साथ शेयर करें इन शाला आपकी कॉल के मंतज़र रहेंगे जी मोतर फैज वापस अपनी गुफ्तु की तरफ़ आते हुए कि बच्चा क्यों झूठ बोलना सीखता है और कैसे सीखता है जी नबीला बहन बहुत ए, ए, सही आपने फ़रमाया कि हम जब बच्चे में अपने ये बुराई देखते हैं तो हम हमेशा या तो उसकी सोबत कैसी है या स्कूल या माशे को ब्लेम करते हैं कि बच्चे ने वहाँ से सोसाइटी से ये अपनी आदत सीखी है और अपना महाजबा नहीं करते कि हमारे ही जो किरदार है शायद वही उसकी सही रहनुमाई नहीं कर रहा उसके हवाले से अक्सर ये देखा गया है कि बच्चे जब कोई चीज़ की ख्वाहिश करते हैं या कोई बात अपने माँ बाप से कहते हैं तो माँ बाप वादा कर लेते हैं हाँ हम करेंगे और उसके बाद फिर वो सिर्फ़ उस सख्त वो उनका ये होता है कि बच्चे का इस व रोना रुक जाए बच्चे इस सख्त जो ये सोच रहा है टालने के लिए वो यूँ कर देते हैं और फिर वो बच्चा तो मासूम बच्चा है वो तो जाहिर है माँ बाप को अपने आइडियलाइज़ करता है वो कहता है माँ बाप तो जो कहते हैं वो सही है अब बच वो आप उस प्रॉमिस को कंटिन्यू नहीं करते पूरा नहीं करते तो यहाँ से बच्चा जो है वो इस चीज़ को सीखता है कि सच जो है वो इतना इम्पोर्टेंट नहीं है कभी कभी बस ऐसे ही लोगों को वो करने के लिए खामोश करने के लिए भी इंसान बोल देता है तो ये झूठ जो है ये एक तरह से झूठ है वादा खिलाफी भी है और एक तरीके से झूठ है कि जो चीज़ आप नहीं कर रही और आपने उससे कह दिया हाँ मैंने कर लिया या हाँ मैं कर दूंगी तो फिर वो बच्चा जो है उसकी तो ट्रेनिंग हो रही है ना कि वो आपसे ये झूठ सीख रहा है या कभी कभी फ़ोन आता है तो हम बच्चे को कह देते हैं कह दो कि वो घर पे नहीं है जी ये तो खैर जोक भी है और बहुत ही मशहूर ये अक्सर ये, ये सिलसिला है कि अक्सर पेरेंट्स नहीं। नहीं। ये कहते हैं और अब उसको ज़ाहिर है उसको यूज भी किया जाता है अपनी आम गुफ्तू में अक्सर पेरेंट्स ये कहते हैं और बच्चे बेचारे इतने इनोसेंट होते हैं कि वो ये भी कह देते हैं कि अम्मी कह रही हैं कि हमारे पास टाइम नहीं है कह दो हम नहीं है फोन पे बस हम लोग निकल रहे हैं बस हम यहाँ पहुँचे बस हम अभी ये पहुंचे और हम घर पे होते हैं हैं और होते हैं।, हैं।, हैं और ये ये सब सब हम 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 बच्चे को झूठ झूठ सिखा सिखा रहे रहे नहीं सोच रहे कि जब बच्चा हमारे साथ है तो हमको बहुत महतात गुफ्तगू करने की जरूरत है क्योंकि वो मुसलसल लर्निंग प्रोसेस में है वो मुसलसल आपके हर एक्शन से आपकी गुफ्तगू से आपके, आपके एक्शन से बच्चा सीख रहा होता है तो नेचुरली आप वो स्कूल का टीचर जो है वो उस वक्त उसका टीचर है जब बच्चा क्लास में है और बच्चे को उस टीच कर रहा है मगर पेरेंट्स कंटिन्यूस 24 फोर आवर्स टीचर है कि जो कि बच्चे को वो मुसलसल बच्चा अपने पेरेंट्स से सीख रहा होता है तो पेरेंट्स को बहुत ही मोहतात होने की जरूरत है उससे फ़ायदा ये होगा जब वो मोहतात होंगे तो खुद उनके अंदर भी सलाह होगी और फिर बच्चा भी बेहतर से बेहतर शख्सियत बनकर माशे के सामने आएगा बेशक और उसके साथ ये भी है कि बच्चे के बच्चे को अगर डांटना भी है तो सबके सामने नहीं डांटा जाए उसको अलीहदा में जाके उस वो खामोश हो जाए अगर बहुत से बच्चे हैं तो उस वक्त खामोश हो जाएँ और फिर बाद में अलीहदा में जाके उसको समझाया जाए कि तुमने ये गलती की है और तुम्हें ऐसे नहीं करना चाहिए था सबके सामने जब आप डांटते हैं तो भी उसका कॉन्फिडेंस जो है वो लूज़ होता है और एक पेरेंट्स का और बच्चों के दरमियान जो ट्रस्ट है वो भी ख़त्म हो जाता है क्योंकि वो फिर ट्रस्ट नहीं करता अपने वाले को और ट्रस्ट बिल्ड करना बहुत ज़रूरी है क्योंकि ख़ास तौर पर मैं कहूँगी इस मुल्क में हमें रिलेशनशिप जैसे नातिया बहन ने भी कहा कि रिलेशनशिप ज़रूर बिल्ड अप करना है बच्चे के साथ क्योंकि यहाँ पर इतना मुश्किल और डिफ़िकल्ट माहौल है कि बच्चे, आ, बच्चे बच्चे बचाए घर ज़रा सा हमें थोड़े से भी इंपॉर्टेंस ना मिले तो बाहर जाके बच्चे ढूंढते हैं कि फिर मैं किसके साथ वो शेयर करूं क्योंकि बहुत कम ऐसी फैमिलीज़ हैं पाकिस्तान में तो फैमिलीज़ हैं आपके भाई हैं कजन्स हैं बहने तो बच्चे वहाँ जाके शेयर भी कर सकते हैं किसी के साथ यहाँ पे स्ट्रेंजर्स के साथ अगर शेयर करेंगे तो उसका इम्पेक्ट बहुत खतरनाक हो सकता है इब्तदा में भी हमने अर्ज की थी के बच्चे को कंपनी देना टाइम देना बहुत जरूरी है ताकि आपके साथ वो रिलेशनशिप बिल्डअप हो जाए कि बच्चा आपके साथ और बच्चे को आप देखिए छोटा बच्चा होता है तो वो हर बात कोई भी बात अपने पेरेंट्स से हाइड नहीं करता छुपाता नहीं है छोटा बच्चा नर्सरी से आता है और वो रास्ते में सारे दिन की रुदात अपनी माँ के साथ है। वही। कॉलर ने जिस तरह कहा था कि वो मदरसे से आए तो उनसे पूछें कि क्या पढ़ा है या वो वो फिर छोटा बच्चा तो वो तो सारा कुछ बता देता है बिल्कुल लड़कियों के हवाले से एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट जो मेरे जहन में आया था और मैं चाहूँगी कि सबके साथ शेयर करूँ कि यहाँ खास तौर पे जब लड़कियाँ बालग होती हैं तो स्कूल्स में अगर हम देखें तो वहाँ पे जो शावर्स होते हैं वो एक कम्बाइंड शावर्स होते हैं वो सब ए, सब लड़कियाँ जो होती हैं वो एक ही जब, जगह पे शावर्स ले रही होती हैं तो वो चीज़ जो है इस्लाम उस चीज़ की भी मम, उस चीज़ से मना करता है कि लड़कियाँ चाहे आपस में लड़कियाँ ही हैं लेकिन फिर भी उनको डिस्करेज किया जाए कि वो एक जगह पर शावर ना ले उसी हवाले से जैसे मुझे उस दिन किसी ने बात की कि मैं अपनी बेटी के लिए स्कूल में गई और मैंने जाके उनसे रिक्वेस्ट किया कि मेरी बेटी जो है वो सबके सामने बेशक लड़कियाँ हैं वो नहीं चेंज करना पसंद करती है तो इसको इजाज़त दी जाए कि ये वॉशरूम के अंदर जाके चेंज करेगी और इसके हवाले से मैं खुद जो हूँ वो विटनेस हूँ कि मेरी बेटी के साथ भी वो स्विमिंग वगैरह करते थे तो वही शावर थे एक ओपन शावर था तो हमने भी उनको कहा था कि हमारी बच्ची स्विमिंग नहीं करेगी उनका नहीं ये तो मस्ट है कि स्कूल में करना है तो मैंने कहा फिर ये जो है वो इस तरह जो है क्यूबिकल शावर हो कि जिसमें बच्ची जो है वो कहेंगे गर्ल्स हैं हमने कहा गर्ल्स हमारे में हया जैसे मैंने इब्तदा में भी अर्ज किया था कि हया बच्चे के अंदर पैदा करना बहुत ज़रूरी है।, है वो उसके अपनी प्रोटेक्शन के लिए कि जब बच्चे में हया होगी तो वो बच्चा जो है एक तो हया और दूसरी चीज़ जो मैं अपने व्यूवर्स से भी कहूँगी जो पेरेंट है कि बच्चे को आप हराम और हलाल का बताएं कि कौन आपका महरम है और कौन ना महरम है और आपकी क्या बाउंड्रीज है कहाँ तक आपने किसी के साथ जो है वो मतलब के कांटेक्ट करना है और कहाँ पर वो कांटेक्ट जायज नहीं है चाहे खुद लड़की और लड़की का ही कांटेक्ट क्यों ना हो इसके लिए भी हमें बच्ची को अपने एजुकेट करने आपस में करने दो लड़कियों का।, का भी जो कांटेक्ट है उसकी भी बाउंड्रीज है कि किस तरीके से आपने उनके साथ जो है मिंगलअप होना आएगा तो ये चीज़ें ना ये पेरेंट्स की जिम्मेदारी है ये बच्चे की फॉल्ट नहीं है कि बच्चा बेचारे को कुछ पता ही नहीं है उसके साथ क्या कुछ गुजर जाता है और वो और दूसरी चीज़ कि पेरेंट्स में आपने जैसे भी फरमाया कॉन्फिडेंस बच्चे का एतमाद आप वो करें बिल्डअप करें कि बच्चे का आपको ट्रस्ट होना चाहिए अपनी बच्चे पर कि आपका बच्चा जो कह रहा है वो सही कह रहा है मैं ये नाजरीन को जो है इस हवाले से प्लीज़ प्लीज़ रिक्वेस्ट करूँगी कि अक्सर बच्चियाँ एब्यूज़ हो रही हैं फैमिली में अब्यूज़ हो रही हैं मगर उनकी उनकी माँ के साथ वो रिलेशनशिप ट्रस्ट की नहीं है वो क्लोजनेस नहीं है कि वो अपने इस सिचुएशन को डिस्कस कर सकें उससे क्या हो रहा है कि वो बच्चियाँ मुसलसल एब्यूज़ हो रही हैं और मुसलसल रोज़ टूट रही हैं रोज़ वो अपने मतलब की शख्सियत उनकी बिखर रही है और उसके बाद ये होता है कि आहिस्ता आहिस्ता उस उनके अंदर वो बेहयाई पैदा हो जाती है कि वो उस चीज़ की उस एब्यूज़ की आधी हो जाती हैं तो प्लीज़ पेरेंट्स से मैं रिक्वेस्ट करूँगी कि आपका बच्चा अगर एक तो इतने आप बच्चे के साथ क्लोज हों आंखें खुली रखें कि आपको बच्चे की बॉडी लैंग्वेज से पता चल जाए कि ये इस कुछ वेअ तरीके से बिहेव कर रहा है कुछ डिफरेंट इसका बिहेवियर है और अब उस तह तक पहुंचे क्योंकि बच्चे के साथ जब इस किस्म का अन किसी किस्म का इंसिडेंट होता है तो बच्चा कुदरती तौर पे एक तो वहाँ से भी हिदायत लेकर आया ना एक मासूम बच्चा है तो कुदरती तौर पे उसकी जो रूह होती है वो उस कैफियत से फाइट कर रही होती है बेचैन होती है जो कि उसकी बॉडी लैंग्वेज में नज़र आ रहा होता है ओबियस होता है मगर जो पेरेंट्स इतने लेस होते हैंगे वो नहीं इतनी डेप्थ में अपने बच्चे की इस चीज़ को नोटिस करते हैं तो वो बच्चा बेचारा जो है वो इसी तरीके से जुल्म का शिकार होता है और इसमें पेरेंट्स भी फिर बराबर के शरीक हो जाते हैं अक्सर बच्चियों ने अपनी माओं से इस बात को शेयर किया तो माओं ने उनको बच्चियों को झूठा कह दिया और मुझे हैरत होती है नबीला बहन इस बात पे कि देखिए माँ के लिए पेरेंट्स के लिए सबसे कीमती शह उनकी औलाद है वो कहते हैं कि अई ये तुमने क्या कह दिया इससे तो ख़ानदान में फसाद हो जाएगा मेरा तो मेरा भाई छूट जाएगा मेरी तो मेरी बहन छूट जाएगी वो ये नहीं सोच रहे कि सबसे मुकदम उनकी औलाद है कि इस सख्त औलाद जिस डिफ़िकल्टी को फ़ेस कर रही है आपके लिए प्रायोरिटी आपकी औलाद होनी चाहिए कि आप उसको इस सिचुएशन से निकालें बहुत अच्छा आपने इस सख्त मुझसे इस तरफ गुफ्तु फरमाई तो मैंने कहा कि ये मौका है तो मैं नाजरीन को इस हवाले से भी अवेयर करूँ और ये फिर वहीं लेके बात आ जाती है कि बच्चों का रिलेशनशिप पेरेंट्स के साथ बच्चे? एक स्ट्रॉग रिलेशनशिप बिल्ड करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है क्योंकि इस इसकी वजह से फिर आगे जाके भी बहुत सी गलत कामों से बच्चे बच जाते बच्चे हैं तो भाई एक सिंपल एक छोटी सी बात कहूँगी कि जिस तरह यहाँ पर तो हर मजाहब के बच्चे पढ़ते हैं ना तो मैं जिस स्कूल में हूँ उधर वहाँ पर वहाँ पर हिंदू भी है ना अब हमारे उसमें तो वो सही नहीं है ना काफिर यानी कि वो वो तो वो काफिर तो हमारे उसमें हराम है अब वो खेलते इकट्ठे हैं साथ कर पेरेंट्स को यानी कि बच्चों में इतना थोड़ा सा वो डालना चाहिए ठीक है खेले ये नहीं मसला नहीं है मगर वो जब उनके आपको पता है हाथ गीले होते हैं और तो ये वो फिर मैंने तो बाकायदा वो लिया तो उन्होंने कहा नहीं आपको वो पाक करना पड़ेगा तो मैं इतनी परेशान हुई आप यकीन करें कि बच्चों में तो पता ही नहीं है बच्चों को चलें वो तो अभी छोटे हैं ये वो मगर पेरेंट्स को ज़रा ध्यान रखना चाहिए और उन, उनको वही बात है हलाल हराम का हराम का कॉन्सेप्ट बच्चों को बताना चाहिए कि शुरू से शुरू, शुरू से कि हलाल और हराम का चाहिए ये नहीं कि सिर्फ़ ख़ुराक में हमें बताना बिल्कुल, चाहिए बिल्कुल, लेकिन महरम और ना महरम का तभी इस्लाम कहते हैं कि जब सात साल की बच्ची हो जाती है तो उसको कोई भी चाहे महरम भी है तो वो अपनी गोद में ना बिठाए तो क्योंकि उसके पीछे देखें कितनी बड़ी एक लॉजिक है क्योंकि वो उसको आप ट्रेन ट्रेनिंग दे रहे हैं कि आप तुमने हर किस्म के आदमियों से एक डिस्टेंस रखना आप देखिए कुरान में भी अल्लाह सुबाना ताल फरमाता है, है जहाँ पर्दे के हवाले से रहनुमाई फरमाई है अल्लाह ने कि तुम जब अपने घर में भी दाखिल हो तो घर में दाखिल होने से पहले अपने आने की इतला दो यानी कि तुम एंटर हो रहे हो घर में ताकि जो तुम्हारे महरम भी हैं वो भी जिस ख़ुत घर में जिस हलिए में भी हैं तुम महरम हो फिर भी वो ज़रा अपने आप को बेहतर तरीके से वो कर सकें एक देखिए ना ये आदाब है ये मैनर्स हैं जो कि हमें सिखाने की ज़रूरत है और हदीसी रसूल भी है कि अखरमू ओलाद कुम आदाब के अपनी औलाद की तकरीम करो इज्जत करो और उनको आदाब और अखलाक सिखाओ जो कि उनका हक़ हाँ है तुम पर कि करेक्टर बिल्डिंग के लिए क्योंकि एक तो औलाद की तुम इज्जत करोगे क्यों इज्जत करो रसूल ने फरमाया इसलिए तुम इज़्ज़त करो कि वो गुनाहों के मामले में तुमसे कम गुनागार है, है। मासूम है ये बच्चे इन्हीं ने गुना कम, कम किया है, है। बुज़ुर्गों की इज्जत इसलिए करो कि नेकियों में तुमसे ज़्यादा है।, है।, है तो ये नहीं है कि इज्जत सिर्फ़ माँ बाप की करनी है नहीं माँ बाप को औलाद की भी तकरीम करनी है औलाद की भी इज़्ज़त करनी है ताकि उसके अंदर वो इज्जत नफ्स का जो एक जज्बा होता है वो परवान चढ़े और फिर ज़ाहिर है जब इंसान अपनी इज़्ज़त नफ्स के हवाले से मोहतात होता है तो वह फिर इस तरीके से गलत काम की तरफ इतनी आसानी से अपने आप को नहीं जी, आ, जी, से लास्ट है। जी, वाले <coughs> मेरा नाम है आपने बहुत अच्छा टॉपिक रखा है। वेरी uh, uh, गुड। ही जरूरी और बहुत अच्छे आपने ड्रेस किए बहुत शुक्रिया

जी। मैं खुद माँ हूँ मगर मेरा बच्चा बहुत अभी छोटा है मगर जब पंद्रह सोलह साल की बच्चियों को ये बात नहीं पता होती कि किस तरीके से हमने पेश आना है गैर महरम से स्पेशली बॉयज इन स्कूल्स एंड आई थिंक वी नीड टू ड्रेस दिस वेरी क्लीनली एंड इट डज स्टार्ट फ्रॉम द होम जी, hmm. schools, clearly, hmm. जी। so, okay. बहुत अच्छा लगा वेरी नाइस टू सी कि हमें ये एजुकेशन मिल रही है थैंक यू सो मच जजाकल्ला जी um, वापस अपने सवालात की तरफ आते हैं अनीस भाई का जो कॉल थी और उन्होंने बहुत ही अच्छे पॉइंट की तरफ कि उन्होंने कहा है कि आ, मैं अपने छोटे बच्चों को साथ ले जाया करता था इमाम बारगाह में और ये भी एक और पॉइंट हम डिस्कस करना चाहते थे जो मैंने कल सोचा था और मैंने सोचा कि मैं ज़रूर लेकिन टाइम इतना कम है और इतने ज़्यादा पॉइंट्स थे हम नहीं डिस्कस कर सके उन्होंने भी कहा कि मैं साथ ले जाता था और फिर वापस आके मैं पूछता था बच्चों से कि तुम्हें क्या सीखा वहाँ क्या सुना तो ये भी बहुत अच्छा तरीका है इससे भी बच्चों की दीनी जो तालीम होती है वो एक ऑटोमेटिकली हो जाती है कि जब आप सात बच्चों को ले जाते हैं यहाँ पे एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम जो अमूमन पेरेंट्स कंप्लेंट करते हैं कि बच्चों में कंसंट्रेशन नहीं है hmm. अगर हम छोटे बच्चों को भी ले जाएं छोटे बच्चे छोटे हैं जो सात से चौदह साल या आप कहते हैं सात से इक्कीस साल तक के बच्चे हैं या दस से इक्कीस उनमें कॉन्सेंट्रेशन बिल्कुल नहीं है तो वही मुझे याद आ रहा था मेरा ख़्याल में इसकी एक वजह यह है कि हम बच्चों को बहुत छोटी उम्र में कार्टून्स देखने देते हैं और वो जो वीडियो गेम्स देखने देते हैं उसमें यह होता है कि इतना कुछ इतनी तेज़ी के साथ एक्शन हो रहे होते हैं इतना कुछ इतनी तेज़ी के साथ वो दिखा रहे होते हैं कि बच्चे यूज़ टू तो हो जाते हैं कि उस फास्ट आ, वो जो एक मूवमेंट देखने फ़ास्ट एक स्टोरी आ, देखने को फ़ास्ट एक कोई कोई भी चीज़ उनको मैसेज मिल रहा है वो एक फ़ास्ट उस पे स्केल मोशन में मिल रहा है तो जब बच्चों को मस्जिद जाना होता है और लेक्चर्स पर कॉन्सनट्रेट करना होता है या क्लास में कॉन्सेंट्रेट करना होता है तो बच्चों के कॉन्सेंट्रेसन स्पैन बिल्कुल निल हो जाते हैं क्योंकि वो उनका माइंड जो होता है वो एक हमने ट्रेन खुद ही से कर दिया होता है और बच्चों को ये भी रिक्वेस्ट हम करेंगे कि प्लीज़ मदर्स को कि कार्टून्स मत देखने दे बच्चों को क्योंकि सारे कार्टून्स अच्छे नहीं हैं बहुत से बच्चे जो हैं उस पर से बहुत गलत बातें कार्टून से पिक करते हैं और वो अपनी ज़िंदगी में अडॉप्ट करते हैं और हमें ख्याल भी नहीं आता हम चूंकि मदर्स को भी ज़ाहिर है वर्किंग मदर्स हैं हम लोग सब बिजी हैं वर्किंग ना भी हों तो घर में कितना काम हो रहा होता है और हम अपने कन्वीनियंस के लिए बच्चों को बिठा देते हैं कि कार्टून देखें लेकिन कार्टून से बच्चे बहुत कुछ गलत सीख रहे हैं और इसके लिए भी हम ये मैसेज देंगे कि प्लीज़ कार्टून्स पे नए बच्चों को ज़्यादा बिठाएं उससे अच्छा कोई कलरिंग या कुछ और गेम्स या पज़ल्स या कोई ऐसी चीज़ बच्चों को दे, दे दें जिसमें कि वो ज़्यादा इन्वॉल्व रहें क्योंकि अवेलब है आज के ज़माने में तो हमारे पास ये नहीं माशाला से इस्लामिक कार्टून इतने अच्छे स्टोरीज बच्चों के लिए प्रॉफिट्स की स्टोरी और इस तरीके की मतलब के अवेलेबल हैं कि हम अपने बच्चों को अगर कार्टून ज़ाहिर ये एज है उसमें उनको फ़न देखना होता है तो बहुत से प्रोग्राम आते हैं बच्चों के हवाले से बड़े इंटरेस्टिंग प्रोग्राम होते हैं कि वो अगर हम उनको दिखाएं देखिए कि जब शुरू में हिदायत टीवी में इमाम हुसैन के हवाले से कार्टून के सूरत में मतलब कि उन करबला की स्टोरी को वो कर रहे थे तो कितने कॉलर्स फ़ोन करते थे कि प्लीज़ ये बार बार दिखाइए कि हमारे बच्चे उन बेहुदा कार्टून से हट के इसमें उनका दिलचस्पी बढ़ गई है और वो बाकायदा इतने मासूम बच्चे मगर देखें कार्टून कितना असर करता है वो बच्चे बाकायदा रोते हैं उस कार्टून में ही जो करबला की पिक्चर वो करते हैं उसमें वो बाकायदा रोते हैं तो कितना इफेक्ट करता है टीवी और टीवी के प्रोग्राम से इतने छोटे बच्चों पर तो इस तरफ बच्चों को जो है मुतव करना चाहिए और आजकल के ज़माने में हमारे पास हैं ये फैसिलिटीज मौजूद हैं कि हम अपने बच्चों को और मैं कहूँगी कि जितना भी मीडिया है इस्लामिक मीडिया उनको इसकी तरफ बहुत अगर चाहते हैं कि बच्चे दूसरे कार्टून ना देखें तो यह हमारी जिम्मेदारी है कि हम उनको ऐसे प्रोग्राम प्रोवाइड करें और हम छोटी सी एज में बच्चे को मोबाइल लेटेस्ट मोबाइल ले दिया छोटी सी एज में बच्चे को लेटेस्ट गेम्स लेटेस्ट जो कौन गेम कौंसल है सो वो सब चीज़ें जो हैं वो बच्चों के लिए इन द लॉन्ग टर्म जो हैं वो बेनिफिशल नहीं होती हैं प्लीज़ आप इस बार पर पे सारे पेरेंट्स जो उनको गौर करना चाहिए कि बेशक हम लाड में प्यार में बच्चों को प्रेजेंस भी दे देते हैं लेकिन ये उनके लिए बेहतर नहीं है और हमें ये सोचना होगा कि बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है हमारे एक भाई थे उन्होंने फ़ोन किया उन्होंने कहा कि अगर माँ सिर्फ ख़ुद ही अपने आप को सब कुछ समझे और बाप को कुछ ना समझे तो क्या बाप सिर्फ कमा के लाने के बाद बाप की कोई ड्यूटी नहीं है बच्चों के हवाले से शायद वो पूछ रहे थे कि मैं उनकी बात समझ गई हूँ और बहुत अफसोस की बात है कि अगर माँ इस तरीके से बच्चों की हाँ इस तरीके से तफरीक पैदा करे कि यू नो मेरी कुर्बानियाँ हैं मैंने तुम्हारे लिए और ऐसा अक्सर नबीला बहन घरों में नज़र आया है कि जो बाप मेहनत करके कमा के लाया है जिससे उसने अपने बच्चों की जो है वो परवरिश की है वो माँ जो है उसको फरामोश करके सिर्फ ये बताना चाहती है कि मैंने तुम्हारे लिए यहबानियाँ दी तुम्हारे बाप तो पूछते भी नहीं थे ये नहीं ये चीज़ जो है ना वो अपने बच्चे के साथ दुश्मनी कर रही हैं वो अपने बच्चे में नफ़रत पैदा कर लिए नफ़रत वो जज्बा है जो बच्चे की करैक्टर को तोड़ मोड़ के रख देता है यानी कि अगर आपके अंदर नफ़रत पैदा हो जाती है कि जैसे कि हमें मतलब के रिसर्च भी है और कि जो बच्चे बचपन में उस माहौल में परवान चढ़ते हैं कि उनके साथ बिहेवियर अच्छा नहीं होता उनसे रूट बात की जाती है उनको मोहब्बत नहीं मिलती है वो बड़े हो के डटेटर बनते हैं वो बड़े हो के जालिम बनते हैं क्योंकि उनके दिल सख्त हो जाते हैं और उनके अंदर वो जज्बा मोहब्बत नहीं रहता नहीं। तो माँ अगर ऐसा समझ रही है कि वो बच्चा जो है वो अपने आप को अपनी सिंपति के मैंने सब कुछ किया है बाप ने कुछ नहीं किया वो ये नहीं समझ रही कि बच्चे के अंदर वो जज्बा परवान चढ़ा रही है नफ़रत का तो वो नफ़रत का जज्बा किसी भी सिचुएशन में कल को कोई और वो आके जैसे बच्चे की बीवी आके कह दे तुम्हारी माँ ने क्या किया तुम्हारी माँ ने मैं हूँ तुम्हारा ख्याल करने वाली तो वो अपने माँ के लिए भी वही सोचेगा जो आज माँ अपने उसके बाप के लिए वो उसको फीड कर रही है तो इसकी तरफ माँ को सेल्फिश नहीं होना चाहिए और बाप का एहतराम अगर वो नहीं करवाएगी तो बच्चे के करेक्टर में वो कमी रह जाएगी जो कि ज़ाहिर अल्लाह सुबह ने माँ बाप दोनों की जो अहमियत है उनके उनके एतबार से उनकी ज़िम्मेदारियों के अतबार से बहुत ही अहमियत है और उन बच्चों को दोनों वालदे की इज़्ज़त करनी चाहिए रिस्पेक्ट करनी चाहिए और माँ बाप को माँ को भी इस हवाले से बच्चों को सही मानों में एजुकेट करने की ज़रूरत है बल्कि इस्लाम आई थिंक इस बात पे एक्साइज करता है कि माँ के फर्ज बनता है कि वो बच्चों से बाप की इज़्ज़तरा कराए क्योंकि माँ जो होती है अगर वो सिर्फ अपनी इज़्ज़त कराएगी तो बच्चे जब बड़े होंगे तो माँ का दिल नरम होता है तो कुछ ऐसी सिचुएशन होती हैं कि जहाँ पर माँ उनको आ, जो से से उस तरह से, से दिक हैंडल दिक नहीं कर पाएगी जिस तरह से एक आदमी एक स्ट्रॉग दिल के साथ हैंडल कर सकते हैं तो बाप की इज्जत कराना माँ का फर्ज है इस्लाम भी इस बात पर तो ये माँ अपना एक फ़र्ज भी अपना वाजिब चीज़ को यही भी अदा नहीं करिए रही है काम कर रहा होता है जब आता है या फिर थोड़ा तो सा रेस्ट चाहिए होता है तो माँ की कंट्रीब्यूशन के बग़ैर तो ये फिर बिल्कुल ये माँ सिखाती है कि जी और जब माँ अगर गलत चीज सिखा रही तो कल को वही चीज पलट के उसके ऊपर भी आ जाती है और हमेशा ये देखा गया जिन बच्चों ने बाप की इज्जत नहीं की लेटर ऑन लाइफ में वो माँ की भी इज्जत नहीं करते क्योंकि कब भी एक स्टेज आती है कि वो सोचते हैं कि भाई माँ ने क्यों नहीं कराई थी इज्जत बिल्कुल और उसके जी जब वो समझदार होते हैं तो हमें इस चीज़ की जरूरत है कि मैं। और वो गुनागार कर है अपनी औलाद को जो अगर बाप एक की अपनी औलाद उसकी माँ बाप की बाप की रिस्पेक्ट नहीं कर रही है तो रोज़े मैशर वो जवाब देगा आपने मोहतम फैज साहब आप बहुत बहुत शुक्रिया नातिया बहन आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया आज के प्रोग्राम में शिरकत करने का और नाज़ीन बस आखिर में रैप अप बहुत सारे पॉइंट्स समझ नहीं आ रही है कि कौन सा एक पॉइंट लेके और हम आज के इस प्रोग्राम को समराइज़ करें या रैपअप करें क्योंकि हर पॉइंट जो है परवेश औलाद में जो आज हमने डिस्कस किया वो अपनी जगह एक अहमियत रखता है एक इम्पोर्टेंस रखता है और हमें सारे नुकात पर जो है वो हमें तोजो देने की ज़रूरत है कि हमें किस तरह से अपने बच्चों की परवरिश करनी है और किस ताकि वो बच्चे की हमें ये नहीं समझे कि हम बच्चे को दुनिया के लिए परवान चढ़ा रहे हैं हम दुनिया और आखिरत दोनों के लिए परवान चढ़ा रहे हैं और जो हम आदात बच्चे के अंदर डालेंगे वैसे ही बच्चा बड़ा होकर बनेगा अगर हम अपने उसके लिए बेस्ट यही है कि पेरेंट्स जो हैं वो एक बेहतरीन रोल मॉडल बने बच्चों के लिए पहले वो ख़ुद अपना मुहासबा करें ख़ुद अपनी आदत को देखें कि उनके अंदर बेहतरीन आदत हैं जो कि इस्लाम चाहता है काम इलाही के मुताबिक वो ज़िंदगी गुजारें कि नहीं पहले तो अपनी असलाह करने की जरूरत है उसके बाद वो जैसे ज़िंदगी गुजारेंगे वही बच्चा सीखेगा तो बस इसके साथ ही नाजन आपसे इजाज़त चाहते हैं नेक्स्ट वीक इन शी को आगे कंटिन्यू करेंगे हमारे साथ रहिएगा अब और उन तमाम व्यवर्स के लिए जिन्होंने हमारा लास्ट वीक जो प्रोग्राम था वो संडे के बजाय मंडे को हमने किया था वो यूट्यूब पे मौजूद है अगर आप देखना चाहें तो आप वो प्रोग्राम देख सकते हैं बस दुआ करते हैं कि पर और इनशालाविदार हमारे वक्त के इमाम के सहूर में ताजील फरमाए और हमारा शुमार उन उनके मददगारों में हो इलाही आमीन उसके साथ ही आपसे इजाज़त चाहते हैं कल इन आपकी खिदमत में फिर हाज़िर होंगे असलकुम वरह वर्क